अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज फ्राइड चिकन ट्राइंगल्स बहुत ही ज़बरदस्त और हटके ये रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ्राइड चिकन ट्राइंगल्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे पास 4 पीसेस ब्रेड के हैं, वाइट सॉस बनाई हुई है, इसके अंदर चिकन भी है। इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मेरे पास मिल्क है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो है, 1 टेबलस्पून मैदा है और 1-2 टीस्पून जो है मेल्टेड बटर है, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, मिल्क, काली मिर्च, ऑरिगेनो, नमक, वाइट पेपर, इसे मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी मैदा। बहुत लोग और मक्खन के अंदर पहले मैदा भूनते हैं, मैं सब कुछ करके डाल के इसे पका लेती हूँ, ये तब कोई वाइट सॉस बनती है। तब हम मिक्स करेंगे, खाना शुरू हो जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे मेल्टेड बटर, मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन पाउडर, मिक्स करेंगे और ये वाइट सॉस हमारी तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। 1/2 कप मेरे पास बॉयल चिकन है, इसे मैंने शेड कर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं। चिकन के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक टू टेस्ट हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया था लेकिन मैं थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि व्हाइट सॉस के अंदर भी नमक है। अब ये व्हाइट सॉस जो है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। हमने व्हाइट सॉस इतनी डालनी है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह कोट हो जाए। इसे अच्छे तरह मिक्स करेंगे, ये अच्छे तरह मिक्स हो चुका है। 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून टमाटर है, इसे चॉप कर लिया है, इसके सीड टमाटर के मैंने निकाल दिए थे। मैदा है रोलिंग करने के लिए, एक अंडा है, 4-5 टेबलस्पून दूध है और ब्रेड क्रम्स हैं ऊपर कोट करने के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। व्हाइट सॉस का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है और अब हमने इसके अंदर डाल देनी है शिमला मिर्च, टमाटर, मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमने जब मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर ऐड करनी है। ये मिक्स हो गया है, इसको हम एक साइड पर रख देंगे। यहाँ एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे अंडा, दूध, इन दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स हो गया है, सबसे पहले हम स्लाइसेस के ऊपर ये मिक्सचर रख देंगे। ये मिक्सचर मैंने दोनों ब्रेड्स के ऊपर रख दिया है, इसके ऊपर हम रख देंगे ये स्लाइस और इनको मैं ट्रायंगल्स की सूरत में काट लूंगी। मेरी ब्रेड जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी छोटी है इसलिए मैंने इन्हें 2 ट्रायंगल्स में काटूंगी। अगर बड़ी वाली आपके पास ब्रेड हो तो आप उसके 4 पीसेस कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर इनके 2 पीसेस करूँगी, ये इस तरह। ये सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं और ट्राइंगल्स हैं, इनकी रोलिंग करनी है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल उठाएंगे, इसे सबसे पहले हमने मैदे के अंदर रोल करना है। चारों तरफ से हमने अच्छी तरह इसे मैदा लगा लेना है, इसको अच्छी तरह हम कवर करेंगे। तो हम अंडे के अंदर डिप करेंगे, अंडे और दूध का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसके अंदर डिप करेंगे। अभी हम हर तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। ये हो गया, इसको अब हम ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करेंगे। साइडों से हम सब ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, हो गया। इसको मैं अलग प्लेट में रखती रहूंगी, ये इस तरह करके मैं अलग प्लेट में रखती रहूंगी। जी ये तमाम ब्रेड्स के ऊपर मैंने कोटिंग करके कर दी है, अब इन्हें मैं फ्रीजर में रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि इनके ऊपर की कोटिंग जो है वो जरा सख्त हो जाए। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और आधे घंटे के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया है, इनकी कोटिंग जो है वो सेट हो चुकी है, इन्हें अब हम फ्राई करेंगे। और एक तरफ से जब गोल्डन हो जाए उसके बाद हम इन्हें टर्न करेंगे। जी ये दोनों तरफ से हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में, इसका करके मैं निकाल लूंगी। जी बेहतरीन से फ्राइड चिकन ट्राइंगल्स हमारे तैयार हैं, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।